हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कहा जाता है कि सोते समय व्यक्ति का शरीर कई मानसिक और शारीरिक स्थितियों से गुजरता है। इन्हीं स्थितियों की वजह से ही अगले दिन की अच्छी व बुरी शुरुआत होती है। ऐसे में अगर आप सोते समय वास्तु का ध्यान रखेंगे तो नींद अच्छी आएगी, साथ ही नया दिन भी आपके लिए शुभ साबित होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे कुछ ऐसी चीजें रखकर सोना आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको तकिए के नीचे रखनी चाहिए। दोस्तों, पहला है मोर पंख। वास्तु टिप्स के अनुसार मोर पंख को साथ रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिलते हैं और कभी धन की कमी नहीं होती। वास्तु के अनुसार अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं और आपका भाग्य बदलने लगता है। तुलसी के पत्ते। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है और इसका उपयोग पूजा के साथ ही औषधि रूप में भी किया जाता है। वास्तु के अनुसार यदि सोते समय आप तुलसी के पत्तों को तकिए के नीचे रख लिया जाए तो जीवन में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। ध्यान रखिए, सुबह उठते ही तकिए के नीचे रखे तुलसी को पत्तों का सेवन कर लेना चाहिए, इससे धन में वृद्धि होती है। लहसुन की कली। अगर आप लाभ चाहते हैं तो सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली जरूर रखें। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से हाथ में पैसा आने लगेगा और धन की वृद्धि होगी। यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा और जीवन से नकारात्मकता को पूरी तरह दूर होगी। दोस्तों, सोते समय अपने तकिए के नीचे एक रुपये का सिक्का रखने से भी धन धान्य में वृद्धि होगी। वास्तु के अनुसार इस सिक्के को सुबह उठकर किसी गरीब को दे दें। ऐसा करने से जीवन में आ रही धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। हल्दी की एक गांठ। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में इसे बृहस्पति ग्रह का कारक मानी जाती है। अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे हल्दी की एक गांठ रखकर सोते हैं तो आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, उसे सोते समय तकिए के नीचे पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ रख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।